हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ग्यास क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स। आज हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स 2021-22 टर्म फर्स्ट के लेक्चर नंबर 4 में आज हम देखेंगे जो पहला यूनिट था हमारा। यहाँ आप देख रहे हैं पहला यूनिट था रिलेशन एंड फंक्शन, जो 8 मार्क्स के आएंगे आपके। और इसमें से क्वेश्चंस कैसे आएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होगा। ध्यान, 8 मार्क्स के क्वेश्चन है रिलेशन एंड फंक्शन में। और ये रिलेशन फंक्शन में आपको जानना क्या है, यूनिट 1 रिलेशन एंड फंक्शन। इसमें आपको जानना है टाइप्स ऑफ रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन एंड इक्विवेलेंस रिलेशन। इसके बाद 1-to-1 एंड ऑन टू फंक्शन, बस इतना ही जानना है, राइट। और इसी के बेस्ट पर आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे टर्म फर्स्ट। तो आज हम लोग लेक्चर 4 में इसी यूनिट फर्स्ट के जो रिलेशन फंक्शन, इसके बेसिक पॉइंट को जानेंगे और इससे जो रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है इसको सीखेंगे। इससे जो पहली 3 क्लास हमने ली है, इस 3 क्लास में आपको हमने सिलेबस बताया था और सैंपल पेपर फर्स्ट जो CBSE की तरफ से आया था क्लास 12 मैथमेटिक्स के लिए, इसको हमने पूरी तरह से डिटेल सॉल्यूशन दिया। जो बच्चे वो पहली 3 क्लास नहीं देखे हैं वो 3 क्लास को देख ले। और ये चौथी क्लास आपका स्टार्ट कर रहे हैं, पहला रिलेशन एंड फंक्शन के बेसिक कंसेप्ट और इससे रिलेटेड क्वेश्चन। इसी तरह से इसके जितने भी टर्म फर्स्ट के आपके सिलेबस है, इसके बेसिक पॉइंट और इसके क्वेश्चन हम आपको देते रहेंगे। जो बच्चे अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल ग्यास क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो इसको सब्सक्राइब करें, थैंक यू। चलो आगे देखते हैं, अब आते हैं अपने पॉइंट पर। तो हमारा जो ये पॉइंट था कि रिलेशन फंक्शन के अंदर हमें पढ़ना क्या है, टाइप्स ऑफ रिलेशन जानना है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, 1-to-1 एंड ऑन टू फंक्शन। तो चलो देखते हैं इसके बारे में। अब आप देखोगे ये हमने निकाला है रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन के अंदर सबसे पहला पॉइंट आपको जानना है कि व्हाट इज रिलेशन। अगर आप देखेंगे कि व्हाट इज रिलेशन, रिलेशन क्या है, इसको एग्जांपल से भी हम चेक करेंगे कि रिलेशंस होता है क्या है और आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे कैसे बन सकते हैं। तो आप देखोगे कि ये रिलेशंस के अंदर सबसे पहला आपका जो कंसेप्ट है कि रिलेशंस क्या है। तो हमें कह रहा है कि अ रिलेशन आर फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी इज ए सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए। इसमें तीन चीजें आई, सबसे पहले तो आया आपका नॉन एम्प्टी सेट। तो आपको ये जानना है, मोस्टली बच्चे ये जानते ही होंगे कि व्हाट इज नॉन एम्प्टी सेट, ये नॉन एम्प्टी सेट क्या हो। तो सबसे पहले आप देखो कि सेट क्या है। तो आप जानते हो कि डेट इज सेट, सेट क्या है। तो आपको पहले बताया जा चुका है कि हमारी सेट की क्लास है, उसको आप चेक कर सकते हैं, यानी कि ग्रुप ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। अगर आप बोलेंगे कि व्हाट इज सेट, तो ग्रुप ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। तो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का जो आपका ग्रुप होगा इसको हम क्या बोलेंगे, सेट बोलेंगे। जैसे आप देख सकते हो एग्जाम्पल ए, आपने लिख दिया 1, 2, 3, ये क्या है, इट इज ए ग्रुप ऑफ नंबर फ्रॉम 1 to 3, इसलिए क्या बन गया, एक सेट बन गया। इसी तरह से आपने लिख दिया बी, बी क्या है, ए ई आई ओ, ये क्या है, इट इज ए ग्रुप ऑफ इंग्लिश लेटर वॉवेल्स, ये वॉवेल्स लेटर का एक ग्रुप है, तो क्या बन गया, एक सेट बन गया। जो भी वेल डिफाइन होगा वो क्या कहलाएगा, सेट कहलाएगा। अब जैसे आप देखोगे कि जैसे आपने देखा सी, और आप सी क्या दिया हुआ है, दैट इज बेस्ट बेस्ट फुटबॉल प्लेयर। तो अगर आप देखेंगे कि बेस्ट फुटबॉल प्लेयर, तो बेस्ट फुटबॉल प्लेयर जो है ये डिफाइन नहीं है, जो डिफाइन नहीं है दैट इज, क्योंकि वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि ऐसा वैल्यू, ऐसे नंबर्स, ऐसी चीजें जो हर आदमी उसका जवाब सेम दे। जैसे आपसे कोई पूछता है कि बेटा 1 से 3 तक के नंबर बताओ, तो आप क्या बताओगे, 1, 2, 3। किसी भी बच्चे से पूछा जाएगा तो उसका जवाब क्या देगा, 1, 2, 3, ये वेल डिफाइंड। किसी से पूछा जाए कि इंग्लिश के वॉवेल्स बताए, तो क्या जवाब देगा, ए ई आई, ये क्या है, वेल डिफाइंड।
लेकिन अगर किसी से पूछा जाए कि बेस्ट फुटबॉल प्लेयर के नाम बताए या बेस्ट क्रिकेटर के नाम बताए, इसका जो आंसर होगा वो वैरी करेगा परसेंट टू परसेंट। कोई पूछे बेस्ट सिंगर के नाम बताए, ये क्या होगा, जवाब इसका वैरी करेगा परसेंट टू परसेंट। इट इज नॉट ए वेल डिफाइंड ग्रुप, सो इट इज नॉट ए सेट। तो ये क्या है, सेट नहीं। अब बात आती है एम्प्टी सेट एंड नॉन एम्प्टी सेट। तो आपने देखा कि अगर आपने लिख दिया कि दैट इज आपने लिख दिया डी इक्वल और आपने इसको खाली छोड़, यानी द सेट हैविंग नो मेंबर इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। इसको हम क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट। जिसके मेंबर एक भी मेंबर नहीं वो क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा। जिसका मेंबर कोई भी ना हो, जिसका घर खाली हो। द सेट हैविंग एनी मेंबर, जिस सेट का कोई ना कोई मेंबर हो, जैसे इस सेट के अंदर थ्री मेंबर्स हैं, दिस इज ए नॉन एम्प्टी सेट, ये खाली नहीं है। इस सेट के अंदर भी पांच मेंबर है, इट इज ए नॉन एम्प्टी सेट, क्योंकि ये खाली नहीं है। तो आपने क्या सीखा कि नॉन एम्प्टी सेट क्या होते हैं, ऐसा सेट जिसके अंदर कोई ना कोई मेंबर मौजूद हो, और सेट क्या है, इट इज ए ग्रुप ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। ये थी पहली बात, सेट क्या है और नॉन एम्प्टी सेट क्या है। चलिए आगे हम सीखते हैं। अब आपको बताया गया आईसी के अंदर कि डेट इज क्या बताया गया, कि इट इज ए नॉन इज ए सेट सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट। सबसे पहले आप देखो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या मतलब, जैसे आपने देखा कि ए कोई सेट है, अगर ए कोई सेट है तो ए का मेंबर आपने देखा था मान लीजिए 1 2 3, और दूसरा सेट आपने ले लिया 1 2, इसका मेंबर क्या है 5 और 6, 5 और 6 मेंबर। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए ए क्रॉस बी यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए बी क्या, तो आप इसका लोगे पहले 1 का लोगे 5 के साथ, तो क्या होगा 1 5, फिर क्या होगा 1 6, फिर क्या होगा 2 5, फिर क्या होगा 2 6, फिर आप ले लेंगे 3 5, फिर क्या होगा 3 6। ये क्या है, ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो आपको बोला गया है कि रिलेशन आर फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी, कोई दो सेट ए और बी है, अगर ए से बी का रिलेशन लिया जाता है तो क्या होता है, ये सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए, ए क्रॉस बी के ही में से कोई ना कोई मेंबर लिया जाए, राइट। द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड डोमेन ऑफ द रिलेशन। अगर ए के जो एलिमेंट होंगे, ए से बी का रिलेशन है, तो ए का जो एलिमेंट होगा वो कहलाएगा डोमेन। एंड द सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट इन रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी इज कॉल्ड रेंज ऑफ द रिलेशन, और जो बी का आएगा उसको क्या बोला जाएगा, रेंज। द होल सेट ऑफ बी इज कॉल्ड को डोमेन ऑफ द रिलेशन, राइट। तो चलो इसको एक एग्जाम्पल से दिखाते हैं आपको। तो अगर हम बात करें, जैसे आप देखो कि ये कोई सेट है, आपने बना लिया ये कोई सेट ए है और ये कोई सेट बी है, राइट। और मान लीजिए कि इसका रिलेशन इसके साथ आप ले रहे हो, आपको दिया गया है फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो अगर इसके मेंबर मान लीजिए 1 है, इसका मेंबर 2 है, इसका मेंबर 3, और यहाँ पे मेंबर दिया गया आपको 2 दे रखा है, 3 दे रखा है, 4 दे रखा है, राइट। तो अब आप देखोगे कि यहाँ पे अगर ए का मेंबर आपने लिया एफ ऑफ 1 तो क्या मिलेगा, 1 प्लस 1, डेट इज यानी 1 का रिलेशन किसके साथ है, 2 के साथ। इसी तरह से आपने लिया f(2), एफ ऑफ 2 अगर आप लोगे तो क्या बनेगा, 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 1, ये 2 का रिलेशन किसके साथ है, 3 के साथ। और आपने ले लिया f(3) तो क्या आएगा, 3 प्लस 1 दिस इक्वल टू 4, तो 3 का रिलेशन किसके साथ है, 4 के साथ। तो अगर आप ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे तो क्या होगा, आपने लिया 1 तो रिजल्ट आया 2, आपने लिया 2 तो रिजल्ट आ गया 3, और आपने लिया 3 तो रिजल्ट क्या आ गया 4। तो दिस इज ए ऑर्डर्ड पेयर। तो ऑर्डर्ड पेयर किसका, ए टू बी का। तो फर्स्ट जो नंबर्स होगा दैट इज 1 2 एंड 3, दिस इज कॉल्ड डोमेन। ए 1 2 3 क्या है, मेंबर ऑफ ए, दिस इज कॉल्ड डोमेन। और जो सेकेंड पेयर आपका है क्या है, इसके अंदर 2 है, 3 और 4 है,
टू थ्री फोर किसके अंदर है, बी के अंदर, इट इज कॉल्ड रेन। एंड टोटल ऑफ बी हो सकता है किसके अंदर हम फाइव भी लिख देते, सिक्स भी लिख देते, तो जो सारे का सारा जो बी है वो क्या कहलाता है, कोडोमेन, यानी द होल सेट ऑफ बी इज कॉल्ड कोडोमेन ऑफ द रिलेशन आर। इस रिलेशन का जो बी क्या कहलाएगा, कोडोमेन। अब बी का वो एलिमेंट जो ए के साथ रिलेशन में है दैट इज कॉल्ड रेंज, और ए का वो एलिमेंट जिसका आपने लिया है दैट इज कॉल्ड डोमेन। ये था आपका डोमेन, रेंज, सेट, नॉन एम्प्टी सेट एंड सब, राइट। चलो अब आते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन की बात करते हैं, और टाइप्स ऑफ रिलेशन में आपने देखा है कि आपको जानना है, आपको क्या क्या जानना है टाइप्स में, सिमेट्रिक रिलेशन जानना है, ट्रांजिटिव रिलेशन जानना है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन जानना और इक्विवेलेंस रिलेशन। चलो बात करते हैं, रिलेशन आर इन अ सेट ए इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस, दस द एम्प्टी सेट फाई एंड ए क्रॉस ए आर द टू एक्सट्रीम रिलेशन। रिलेशन आर इन सेट ए इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन इफ नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी डोमेन। यानी कह रहा है कि अगर ए रिलेशन आर इन सेट ए इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन इफ नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ, अगर ए का कोई भी एलिमेंट ए के साथ कोई रिलेशन नहीं रखता तो क्या है, एम्प्टी रिलेशन कहलाता है। और कह रहा है कि रिलेशन आर इन सेट ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन, रिलेशन आर इन सेट ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन इफ ईच एलिमेंट ऑफ इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट, और हर एलिमेंट ए का ईच एलिमेंट ऑफ ए के साथ अगर रिलेशन करता है ये क्या है, यूनिवर्सल रिलेशन। अब कह रहा है कि रिलेशन आर इन ए सेट टू बी रिफ्लेक्सिव, जो आपको जानना है, मेन यही पढ़ना है आपको, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है, रिलेशन आर इन ए सेट टू बी रिफ्लेक्सिव इफ ए रिलेटेड टू, अगर ए का रिलेशन ए के साथ होता है, वेयर ए इज द एलिमेंट ऑफ ए, आर इज कॉल्ड ए रिलेटेड टू, सेम का सेम के साथ अगर रिलेशन होता है, ए का रिलेशन ए के साथ और ए का एक, तो क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब आगे बता रहा है कि आर इज ए सिमेट्रिक, आर क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन, इफ ए रिलेटेड टू बी, यानी ए रिलेशन टू बी, दिस इंप्लाई बी रिलेशन एंड ए एंड बी एलिमेंट ऑफ ए सेट टू बी, राइट। तो क्या कह रहा है, अगर ए का रिलेशन बी के साथ होता है और बी का रिलेशन भी ए के साथ होता है, ऐसे रिलेशन को क्या बोला जाएगा, दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिक रिलेशन। और अगर सेम सेम है, ए का रिलेशन ए के साथ ही है, तो वो क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। और सिमेट्रिक में ए का रिलेशन बी के साथ और बी का रिलेशन भी ए के साथ होना चाहिए। और इसके बाद आपको जानना है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन में आप जानते हैं कि अगर ए का रिलेशन बी के साथ और बी का रिलेशन सी के साथ, इससे ये अगर ये प्रूफ हो जाए कि ए का रिलेशन भी सी के साथ, तो ये क्या कहलाएगा, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव, राइट। तो अगर ए का रिलेशन बी के साथ और बी का रिलेशन सी के साथ और प्रूफ ये हो जाए कि ए का रिलेशन सी के साथ भी मौजूद है, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव। और इसके बाद आपको जानना है कि एनी रिलेशन विच इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिट, ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव, ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन, राइट। कह रहा है कि एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ रिलेशन इज दैट इट इज डिवाइड द सेट इनटू द पेयर वाइज डिसजॉइंट सबसेट, इज कॉल्ड इक्विवेलेंस क्लासेस व्हिच कलेक्शन इज कॉल्ड ए पार्टीशन ऑफ सेट, नोट दैट यूनियन ऑफ ऑल इक्विवेलेंस क्लास गिव द होल सेट। अगर दो सेट का अगर आप यूनियन लेते हैं तो क्या निकलता है, होल सेट निकल जाता है। एक बार दोबारा से आप ध्यान दो कि टाइप्स ऑफ रिलेशन में आपको बताया गया तीन जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसके ऊपर रिफ्लेक्सिव, सेम रिलेटेड टू सेम, ए रिलेटेड टू, सेकेंड वन सिमेट्रिक, ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू ए बी, एंड थर्ड वन ट्रांजिटिव, ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी हो, तो ये भी प्रूफ हो ए रिलेशन सी के साथ। अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो इसको क्या बोला जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। ये आपको जानना था। चलिए इसके आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, अगर हम अब बात करें फंक्शन, तो फंक्शन में आप देखोगे
कि फंक्शन में हमें बता रहा है कि फंक्शन एफ एक्स टू वाई स्टेट टू बी वन वन और इंजेक्टिव इफ द इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट वेट्स अंडर एफ आर डिस्टिंक्ट। मतलब कह रहा है कि नाम से ही पता है क्या वन वन यानी ए का ए और बी का अगर कोई फंक्शन है फंक्शन एक्स टू वाई अगर एक्स से वाई की तरफ रिलेशन है तो एक्स वन एक्स टू इज एलिमेंट ऑफ एक्स तो एफ ऑफ एक्स वन अगर एफ ऑफ एक्स टू होता है यानी कि एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स इज रिलेटेड ऑफ एवरी ईच वन एलिमेंट ऑफ यानी अगर एक ही एलिमेंट एक्स का दूसरे के एक ही एलिमेंट के साथ रिलेशन पहले का फर्स्ट दूसरे एक एक के साथ रिलेशन हो तो ऐसे रिलेशन को क्या बोलोगे वन वन रिलेशन दैट इज कॉल्ड इंजेक्टिव रिलेशन। ओके वन का एक फर्स्ट उसका डिफरेंट एलिमेंट हर एक एलिमेंट का इमेज कह रहा है कि इट डिफाइंड बाय वन वन और इंजेक्टिव इमेजेस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ इट अलग अलग एलिमेंट जो एक्स के है अंदर एफ पार्ट डिस्टिंक्ट उसके डिस्टिंक्ट एलिमेंट के साथ रिलेशन है दैट इज कॉल्ड वन। दूसरा आपको जानना सेट टू बी द ऑन टू फंक्शन या सर्जेक्टिव फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ वाई इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ क्या कह रहा है कि अगर ऑन टू फंक्शन कब होगा सेट टू बी द ऑन टू फंक्शन ऑन टू या सर्जेक्टिव फंक्शन कब होगा तो एवरी एलिमेंट ऑफ वाई इज इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ वाई के सारे एलिमेंट हर एलिमेंट का कोई ना कोई इमेज एक्स के अंदर होना चाहिए दैट इज y is element, there exists element x such y of यानी के y के अंदर every element of y का हर element का image जो है वो a के अंदर होना चाहिए a के अंदर उसका relation होना चाहिए that is called onto or surjective relation। तो one one में देखा एक element का relation एक के साथ और इसमें क्या देखा onto तो ये one one onto भी होता है one one onto नहीं भी होता तो one one onto कब होगा कि one one तो है और y का कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं बचा जिसका इमेज ना हो ऐसे को क्या बोलेंगे वन वन एंड ऑन। इसके बाद आपको जानना है फंक्शन इज सेड टू बी वन वन एंड ऑन टू इफ एफ इज बोथ वन वन एंड ऑन टू वो वन वन भी है और ऑन टू भी बस इतना ही आपको जानना था ये कंपोजिट नहीं जानना है इनवर्स आपको नहीं जानना है बाइनरी नहीं जानना। इसके बाद आपको जानना है कुछ क्वेश्चन चेक करते हैं ध्यान जो आप जिसके ऊपर में आपके क्वेश्चन आएंगे बस वही क्वेश्चन को मुझे करना है। जैसे आपने देखा पहला एग्जांपल ऊपर लेट ए 0 1 2 3 एंड डिफाइंड अ रिलेशन आर ऑन इट एक एलिमेंट 0 1 2 3 और कह रहा है डिफाइंड रिलेशन आर ऑन ए एज फॉलो तो आर दे रखा ये रिलेशन तो कह रहा इज रिफ्लेक्शन इज आर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिट अभी अभी आपने सीखा है रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है सेम से सेम का रिलेशन ए रिलेटेड टू और सिमेट्रिक में क्या सीखा था ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड ट्रांजिटिव में क्या सीखा था ए रिलेटेड टू बी रिलेटेड टू सी तो ए का रिलेशन सीखे तो आप चेक करके देख सकते हैं सबसे पहले देखिए रिफ्लेक्सिव है कि तो आपने देखा 0 0 मौजूद है 1 1 मौजूद है 2 2 मौजूद है 3 3 मौजूद वेरी गुड तो ये आपका रिफ्लेक्सिव बिल्कुल करेक्ट है रिफ्लेक्सिव है। अब सिमेट्रिक की अगर आप बात करोगे तो सिमेट्रिक में क्या सीखा है अगर ए का रिलेशन बी के साथ तो बी का भी ए के साथ होना चाहिए तो आपने देखा कि यहाँ पर क्या कह रहा है कि अगर ये हमारे पास सिमेट्रिक और हमारा है ट्रांजिट तो क्या कह रहा है ये सिमेट्रिक है बट नॉट ट्रांजिटिव सिंस फॉर 1 0 इज एलिमेंट ऑफ आर एंड 0 3 जे एलिमेंट ऑफ आर वेयर एज 1 3 मतलब 1 0 तो है और 0 3 यानी ए का रिलेशन बी के साथ तो है और ये बी का रिलेशन सी के साथ है लेकिन ए और सी का रिलेशन नहीं मिल रहा इसका मतलब ये क्या है ट्रांजिटिव नहीं है राइट तो ये ट्रांजिटिव नहीं है तो ये क्या है रिफ्लेक्सिव है रिफ्लेक्सिव भी है ट्रांजिटिव नहीं है और ये सिमेट्रिक है तो सिमेट्रिक में क्या सीखा था अगर ए का रिलेशन बी के साथ है तो बी का रिलेशन क्या होना चाहिए ए के साथ भी होना चाहिए जैसे आपने देखा कि 0 का रिलेशन 1 के साथ है तो 1 का भी 0 के साथ मौजूद राइट 0 का 3 के साथ है तो 3 का भी 0 के साथ मौजूद तो ये क्या है सिमेट्रिक तो बिल्कुल याद रखें सेम रिफ्लेक्सिव ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू इट सिमेट्रिक
ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू सी, तो ए रिलेटेड भी सी होना चाहिए जो नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। ये आपके कंसेप्ट को काफी मजबूत करता है, डेफिनेशन को क्लियर करता है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव क्या है। रिफ्लेक्सिव सेम सेम, सिमेट्रिक ए टू बी, बी टू, ट्रांजिटिव ए टू बी, बी टू सी, देन ए टू सी भी हो। क्लियर है, उम्मीद है बिल्कुल अच्छी तरह आ गया होगा आपको। चलो सेकेंड क्वेश्चन देखो, फॉर सेट ए 1 2 3 डिफाइंड रिलेशन आर इन सेट ए एज फॉलो, आपको दे रखा है, कह रहा राइट द ऑर्डर्ड पेयर टू बी एडेड टू आर टू मेक इट द स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन। कह रहा कि राइट ऑर्डर्ड पेयर टू बी एड, इसमें कौन सा ऑर्डर पेयर एड किया जाए रिलेशन के अंदर टू मेक इट द स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस, ताकि ये क्या बन जाए, स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन। अब आपको अभी अभी आपने सीखा व्हाट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस का मतलब है कि जो रिफ्लेक्सिव भी हो, जो सिमेट्रिक भी हो और जो ट्रांजिटिव भी। अब आप देखिए ये 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, तो ये रिफ्लेक्सिव है, बिल्कुल क्लियर है, नो डाउट। इसके बाद सिमेट्रिक होने के लिए क्या जरूरी था, तो सिमेट्रिक होने के लिए जरूरी था कि अगर इसने 1 3 दिया है तो 3 1 भी होना था। तो अगर आप इसमें 3 1 को ऐड कर, 3 1 इज द सिंगल ऑर्डर पेयर वी नीड टू बी एडेड टू आर टू मेक इट द स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन, इससे ये क्या बन जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाएगा, क्योंकि इसके अंदर ये क्या है, रिफ्लेक्सिव तो है और सिमेट्रिक भी है और ये ट्रांजिटिव। लेकिन ये 1 3 जो आपने दिया इससे ये प्रूफ हो रहा है कि 1 3 तो है लेकिन इसमें 3 1 नहीं है। जब 3 1 नहीं है, इसको हम अगर ऐड कर देंगे तो 1 3 आ जाएगा और 3 1 हो जाएगा, ये क्या होगा, तीनों केस को ऑब्वे करेगा, दैट इज रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा, तो देन ये क्या बन जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। चलिए बात करते हैं थर्ड की, कर आर बी द इक्विवेलेंस रिलेशन इन द सेट जेड ऑफ इंटीजर गिवन बाय आर ए बी वेयर 2 डिवाइड्स ए माइनस, राइट द इक्विवेलेंस क्लास। तो कह रहा है कि आप इक्विवेलेंस क्लास को लिखिए, तो आप देखेंगे इसमें कि आर क्या है, ए बी रिलेशन दे रखा है, जहां 2 डिवाइड्स है, माने दोनों के डिफरेंस को 2 क्या करता है, डिवाइड करता है, तो दोनों के डिफरेंस को 2 डिवाइड करता है, तो ऐसे कौन से नंबर पॉसिबल हो सकते हैं, राइट द इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आप क्या लिख सकते हो, जैसे इसने दिया है कि आप 0 लिख सकते हैं और इसमें प्लस माइनस 2 लिख सकते हो, प्लस माइनस 4 लिख सकते हो, प्लस माइनस 6 लिख सकते हो, राइट। अगर ऐसा नंबर लिखोगे, जैसे आपने 6 लिख दिया और माइनस 6 लिया, तो दोनों का डिफरेंस क्या जाएगा, 12, जो 2 से डिवाइड हो, तो ऐसे रिलेशन को हम क्या क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप देख रहे हो, आपसे बोला है कि अगर कोई फंक्शन रियल टू रियल है, डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4x माइनस 1, then show that f is 1 1. आपको show करना है कि ये 1 1. ऐसा question objective में नहीं आएगा, आपको जानना कि अगर आप 1 put करेंगे तो ये क्या आएगा, 4 into 1 minus 1, that is 3 आ जाएगा, 2 put करेंगे तो क्या आएगा, तो ये आ जाएगा 8 minus 1 7. तो every element of x, यानी each value of x के लिए corresponding value of y मिलेगा, यानी हर एक के लिए अगला different number मिलेगा, ये क्या है, 1 1 है, बिल्कुल correct है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, तो आप देखोगे अगले पॉइंट के लिए ये फॉग नहीं करना है आपको, जो नहीं करना उसको हम छोड़ते हुए चले जाएंगे, जो आपको करना है वही क्वेश्चंस कराएं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये भी करने की जरूरत नहीं है, जो क्वेश्चंस आपके पेपर में आने वाले हैं उन्हीं क्वेश्चनों को हम फ्लैट करके आपको करवा रहे हैं, मैं उन्हीं क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस कर। अब जैसे आप ये क्वेश्चन देखोगे, इस क्वेश्चन में आप देखेंगे आपसे पूछा गया क्या कह रहा है कि डेट इज लेट आर बी अ रिलेशन ऑन द सेट एन, एन जानते हैं नेचुरल नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, जैसे 1 2 3 4 एंड सो। तो कह रहा है लेट आर बी अ रिलेशन ऑन सेट n of a natural number defined by n Rn, yani n related to m if n divides m, m kya, n kya karta hai, m ko divide karta hai, if n divides m,
देन आर क्या हो? तो आप जानते हैं कि बोल रहा है कि अगर आर कोई रिलेशन है नेचुरल नंबर और वो डिफाइंड बाय एनआरएम इफ एन डिवाइड्स एन क्या करता है एम को डिवाइड करता है, तो बताइए कि आर क्या है? रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव एंड सिमेट्रिक है, इक्विवेलेंस है या रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है बट नॉट सिमेट्रिक। तो आपका जवाब है कि ये क्या है, डी ऑप्शन, रिफ्लेक्सिव ही है, ट्रांजिटिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं, मतलब सेम सेम पर ये वैलिड है। और आपने ट्रांजिटिव में यही सीखा था कि ए का बी, बी का सी तो ए सी, तो ऐसा भी पॉसिबल है लेकिन सिमेट्रिक नहीं। चलो चेक करते हैं कैसे। तो जैसे इसने एग्जांपल लिया है कि मान लीजिए 3-6 इज ए एलिमेंट ऑफ नेचुरल, मान लो 3-6 क्या है, एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। तो अगर आप लेते हैं 3 रिलेटेड टू 6, तो 3 रिलेटेड टू 6 में आप देखोगे कि डेट इज 3 रिलेटेड 6 नॉट बराबर, क्योंकि 3 रिलेटेड 6 का मतलब है 3-6 को डिवाइड करता है, लेकिन अगर आप बोलोगे 6 रिलेटेड टू 3 यानी 6 3 को डिवाइड करता है, तो 6 3 को डिवाइड नहीं करता है क्योंकि 6 से 3 को डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट में आएगा। तो आर इज, इसलिए ये क्या है, सिमेट्रिक नहीं, राइट। एंड आर इज ए ट्रांजिटिव सिंस फॉर एन एम आर, देन एन बाई एम एंड एम बाई आर, देन एन बाई आर भी होगा, n divides m and m divides r, then n will be divide r. इसलिए ऐसे क्वेश्चंस को हमें याद रखना है कि अगर n related to m है और n divides करता है m, right? वो क्या होगा? हर नंबर खुद को क्या करेगा? Divide करेगा। जैसे 3 related to 3, 5 related to 5, इसलिए reflex. और symmetry के लिए क्या condition है? अगर 3 related to 6, अगर 3 6 को divide करता है, तो 6 भी 3 को डिवाइड करना चाहिए, ऐसा पॉसिबल नहीं। जैसे आपने देखा 2 divides 4, 2 4 को डिवाइड करता है, लेकिन कोई बोले 4 divides 2, 4 को 2 डिवाइड करता है, तो 4 को 2 अगर आप लेते हो, यानी कि 4 divides अगर आप लिखते हैं 2 divides 4, तो 2 divides 4 का मतलब 2 4 को डिवाइड करता है। अगर कोई लिखे 4 divides 2 यानी 2 को 4 डिवाइड करता है, तो 2/4 पॉइंट में आएगा, जो पॉसिबल नहीं है। इस तरह के जो ट्रिकी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते। अगला है, लेट एल डिनोट द सेट ऑफ ऑल स्टेटमेंट इन अ प्लेन, लेट अ रिलेशन आर बी डिफाइंड बाय एल आर एन, यानी एल रिलेटेड टू एल, इफ एंड ओनली इफ एल इज परपेंडिकुलर टू एल। एल क्या है? एम पर परपेंडिकुलर। तो आपको बताना है कि बताइए क्या कंडीशन। तो आप जानते हैं कि मान लीजिए एल कोई लाइन, एल रिलेटेड टू एन, ई एल इज परपेंडिकुलर टू एम। अब सिंपल सोचिए कि जैसे ये कोई एल है, ये लाइन एल है और आपने इस पे इस तरह से परपेंडिकुलर डाल दिया, और ये लाइन क्या है, एम। तो ये एल है, ये एम है और ये परपेंडिकुलर। अब आप मन में सोचिए कि हमें इसको रिफ्लेक्सिव चेक करना, तो एल परपेंडिकुलर टू एम, एम परपेंडिकुलर, बिल्कुल करेक्ट है, तो ये रिफ्लेक्सिव तो है। लेकिन आप देखोगे कोई भी नंबर सेम सेम को कह रहा कि ये कोई, लेट एल डिनोट द सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन इन अ प्लेन। तो आपको ये देखना है कि अगर मान लो एल कोई लाइन, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करना है, सेम लाइन सेम पे परपेंडिकुलर हो सकता है। जैसे एल लाइन, कोई भी लाइन खुद पे परपेंडिकुलर नहीं हो सकती, लेकिन अगर एल एम पे परपेंडिकुलर है, तो एम भी एल पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, इसलिए ये सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर एल एम पर, एम एल पर परपेंडिकुलर है, और एल अगर मान लीजिए जैसे आपने देखा यहाँ पे ये एल और ये क्या है एन, एल क्या है एन पर परपेंडिकुलर, तो क्या एम भी एन पर परपेंडिकुलर होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए आपका सही जवाब क्या है, सिमेट्रिक। दोबारा से एक बार ध्यान दो, लेट एल डिनोट द सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन इन अ प्लेन, let a relation r be denoted by l related to m if and only if l is perpendicular to m, l क्या है, m पर perpendicular है। तो आपको चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा, या इसमें से कोई भी नहीं है। तो आप जानते हैं रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है, सेम टू सेम, तो कोई भी लाइन खुद पे परपेंडिकुलर नहीं हो सकता, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं है।
लेकिन अगर एक लाइन दूसरे पे परपेंडिकुलर है तो दूसरी लाइन भी फर्स्ट पे क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। इसलिए आपका राइट आंसर क्या है, सिमेट्रिक, बी आंसर बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लेट एन बी द सेट ऑफ ए नेचुरल नंबर एंड द फंक्शन एफ एन टू एन, या नेचुरल टू नेचुरल बी डिफाइंड बाय एफ ऑफ एन इक्वल टू देन, देन आप बताइए एफ क्या हो, सर्जेक्टिव होगा, इंजेक्टिव होगा, बाइजेक्टिव होगा और नन ऑफ दीज होगा। तो आपने देखा था इंजेक्टिव का मतलब वही होता है कि एवरी एलिमेंट के लिए उसके जो इमेज है वो अलग अलग हो, तो आप कोई भी वैल्यू एंड की डालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, डिफरेंट एलिमेंट मिलेगा। सो आंसर इज बी, दैट इज कॉल्ड इंजेक्टिव। तो चलो आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं ध्यान। अगले पॉइंट के लिए आप देखोगे, अगला पॉइंट आपको जानना है ये कह रहा है कि सेट ए हैज थ्री एलिमेंट्स एंड सेट बी हैज फोर एलिमेंट, देन द नंबर ऑफ इंजेक्टिव मैपिंग दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम ए टू। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा तुम्हें कि अगर ए के अंदर एन ऑफ ए के अंदर आपको दिया गया है एन ऑफ ए, द सेट ए हैज थ्री एलिमेंट, ए के अंदर थ्री एलिमेंट्स हैं और बी के अंदर फोर एलिमेंट, तो आपसे पूछा गया कि बताइए नंबर ऑफ इंजेक्टिव मैपिंग क्या हो ए टू। तो हमेशा याद रखो ये फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला आपके लिए ट्रिकी एग्जाम्स क्वेश्चंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट। तो आपको जानना है कि क्या टोटल नंबर ऑफ इंजेक्टिव मैपिंग फ्रॉम द सेट कंटेनिंग थ्री एलिमेंट्स इनटू सेट कंटेनिंग फोर क्या होगा, फोर पी थ्री, यानी एक में थ्री है और दूसरे में चार है, तो इससे टोटल नंबर ऑफ इंजेक्टिव मैपिंग क्या होगी, फोर पी थ्री। तो फोर पी थ्री, तो आप जानते हो ये फॉर्मूला, आप जो बच्चे को याद नहीं है नोट कर सकते हैं, ये फॉर्मूला आप जानते हैं एन पी आर क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस आर तक। तो आप देखोगे कि आपको यहाँ दिया गया है फोर पी थ्री, तो क्या होगा फोर फैक्टोरियल और ये आ जाएगा कितना, वन फैक्टोरियल, ये फोर फैक्टोरियल हो गया। अब फोर फैक्टोरियल का मतलब होता है रिवर्स काउंटिंग, फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, तो क्या आ जाएगा 24, आपका आंसर 24 बिल्कुल करेक्ट है। हमेशा याद रखिए कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन अगर आता है ऐसे क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, राइट। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो कि ए के अंदर और बी के अंदर, ए के अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं और बी के अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं, और आपसे पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ मैपिंग क्या हो, तो टोटल नंबर ऑफ मैपिंग के लिए हम क्या करेंगे, दैट इज फोर पी आर। जो आपके पास ज्यादा नंबर होगा उसको एन लोगे और लेस वाले को आप, दैट इज आपका जवाब हो जाएगा फोर पी थ्री, ये आंसर बिल्कुल करेक्ट। इसी तरह से आप देखोगे चलो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं। तो अगर आपको समझ में आया अच्छी तरह से तो आप इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और हमारे YouTube चैनल ग्यास क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको टर्म फर्स्ट की सारी वीडियोस लगातार आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।